हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज हम बनाएंगे मैट। ये मैंने दो कलर लिए हैं फ्रेंड्स, और उसकी चुन्नी से इतनी चौड़ी पट्टियां काट ली हैं। देखिए, ये हम दो कलर से बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा मैट बनाएंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, चले बनाने के लिए इसमें हम फंदे डाल लेंगे। इसमें हम 20 फंदे डालेंगे। उससे पहले हम इसमें ये नोट बनाएंगे ऐसे ऐसे, एक नोट बनाएंगे इस तरह से। अब देखिए, ऐसे फंदा किया, ऐसे निकाल लेंगे, ऐसे ऐसे सिलाई में डाला, बड़े पट्टी को ऊपर से निकाला इस तरह से, ऐसे देखिए, चार, पांच, छः, सात, सात, आठ, नौ, नौ। देखिए, इतने लूज फंदे डालेंगे हम, इसमें टाइट फंदे नहीं डालेंगे, इस तरह से नौ, ये दस, ये दस, ये ग्यारह, ये बारह, बारह, ये तेरह, ऐसे तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, और ये बीस। ये हमारे 20 फंदे हो गए। देखिए, काउंट कर लेते हैं, दो, चार, छ, आठ, दस, बारह, चौदह, सोलह, अठारह, बीस, 20 फंदे डाल लिए। देखिए, हमने इस फंदे को हम उतारेंगे, धागा आगे करेंगे, ये पट्टी, और इसे ऐसे बना लेंगे। देखिए, इस पट्टी को हम साथ में ले लेंगे, पूरी रो उल्टा उल्टा बना लेंगे। ये देखिए, मैंने इसमें 20 फंदे डाले हैं। आप इसे 30 फंदे से भी बना सकते हैं, जितना बड़ा आपको बनाना है आप उसी हिसाब से इसमें फंदे डाल सकते हैं। देखिए, जो ये छोटी सी पट्टी हमारी रह गई, इसे इसमें ऐसे फोल्ड कर लेंगे, ऐसे इस तरह से, पूरी रो हमें उल्टा उल्टा बुन लेनी है, ऐसे। देखिए, लास्ट का फंदा आप धागा पीछे करेंगे,
और इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे ऐसे, इस तरह से ऐसे बनेगा। अब देखिए इस फंदे को हम उतारेंगे ऐसे और यहाँ पर इस रो को भी हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए हमने जो ये कटिंग की थी इसे हम ऐसे बीच में फोल्ड कर लेंगे ऐसे। और पूरी रो उल्टा उल्टा बना लेंगे। इस तरह से देखिए इस फंदे को उतारेंगे और धागा पट्टी आगे करेंगे और इसे उल्टा उल्टा बुन लेंगे। पूरी रो हमें उल्टा उल्टा बुन लेनी है। बहुत इजी है इस मैट को बनाना, बहुत ही आसान तरीके से मैं इसे आपको बनाना बताती हूँ। फ्रेंड्स देखिए आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए, साथ में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस किया कीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ऐसे देखिए पीछे किया और इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे। अब देखिए इस फंदे को उतारेंगे ऐसे ही और पूरी रो उल्टा उल्टा बना लेंगे ऐसे ऐसे। ये देखिए यहाँ पर इस फंदे को हम सीधा इसलिए बुनते हैं, देखिए इस तरह से हमारे यहाँ पर पट्टी बन के आएगी, इस तरह से ये फली सी बन के आ जाएगी और देखने में हमारा मैट सुंदर लगेगा। सभी फंदे हम इसी तरह से उल्टा उल्टा बना लेंगे। ऐसे ही बनाते हुए हम इसमें ये 15 धारियां कंप्लीट कर लेंगे, ये वाली ये 15 रो कंप्लीट करेंगे हम ये वाली। बहुत ही आसान है, बहुत ही सुंदर सा हमारा मैट बन के आएगा ऐसे। और देखिए अब हम इस साइड जब आएंगे तो इस फंदे को उतारेंगे और पट्टी को आगे करेंगे ऐसे और फिर बाकी फंदे हम सीधा सीधा बना लेंगे ऐसे। तो चलिए मैं यहाँ पर 15 सिलाई बना के इस तरह की 15 रो कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे ही बनाते जाना है जैसे मैंने ये बनाया है, इस तरह से देखिए ऐसे बन के आएंगे हमारे। ये देखिए यहाँ पर मैंने 15 धारियां बना ली हैं, देखिए ये वाली 15 धारियां अगर हम बनाएंगे तो ये हमारी 30 सिलाई बन के आएंगे। ये मैंने 15 बना लिया है। अगर आप इसे और बड़ा बनाना चाहते हैं तो इसमें आप ये धारियां बढ़ा सकते हैं, ये 15 की जगह आप 20 बना सकते हैं, 25 बना सकते हैं, जितना भी मर्जी आप इसमें बड़ा इसे बना सकते हैं। तो देखिए उसके लिए अब ये हमारी धारियां कंप्लीट हो गई है। अब हम इसमें सेकेंड कलर लगाएंगे,
यहीं से हम इसमें सेकंड कलर ऐड कर देंगे, ऐसे ऐसे। देखिए ये रो हम बनाएंगे, उल्टी रो से हमें सेकंड कलर लगाना है, तो इस रो को हम बना लेंगे ऐसे। ये हमारी सीधी साइड है, तो हम उल्टी साइड से लगाएंगे कलर, सेकंड कलर। एक रो हम और बना लेंगे ऐसे। बहुत इजी है इसे बनाना और बहुत ही सुंदर सा हमारा मैट बन के आएगा और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। और जिन्हें उल्टा सीधा बनाना आता है वो भी इसे आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने बिल्कुल सीधा सीधा बनाया है, इसमें ना तो कोई फंदा घटाया है और ना ही कोई फंदा बढ़ाया है। इसे आप आसानी से बुन सकते हैं ऐसे। देखिए बहुत ही सिंपल से तरीके से मैंने इसे आपको बताया है, आसानी से आप इसे बना सकते हैं। देखिए इस फंदे को आप ध्यान में रखें, हर रो में धागा पीछे करके और इसे सीधा बना ले। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो देखिए आपका इस तरह से बन के आएगा ऐसे ऐसे। अब देखिए उल्टी साइड से हम इसमें कलर चेंज करेंगे, और कलर चेंज करने के देखिए यहाँ पर हम कलर चेंज करेंगे, दो फंदे का एक फंदा बनाएंगे। अब हमें फंदे घटाने हैं इसमें, और यहाँ पर देखिए इस तरह से दो फंदे का एक फंदा बनाया और इसका कलर भी हमने साथ ही साथ चेंज कर दिया। तो देखिए ऐसे इस पट्टी को हम आगे ले लेंगे और ऐसे बना लेंगे, फिर पट्टी को आगे करेंगे। और पूरी रो उल्टा उल्टा बना लेंगे ऐसे। देखिए आप इसे इस तरह से भी घटाना शुरू कर सकते हैं ये बनने के बाद, और आप इन सभी फंदों को बंद करके और फिर से 20 फंदे उठाकर फिर भी घटाना शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें साथ साथ घटाऊंगी, इन फंदों को बाइंड ऑफ नहीं करूंगी। ऐसे ही मैंने इसमें घटाना शुरू कर दिया है, तो देखिए ऐसे। अब यहाँ पर भी हम दो फंदे का एक बना देंगे ऐसे। देखिए एक फंदा हमने इस साइड से घटाया, एक फंदा इस साइड से घटाया ऐसे, और इस उल्टे रो को हम सीधी रो को ऐसे ही सीधा सीधा बना लेंगे। देखिए फिर से हम दो का एक बनाएंगे ऐसे। देखिए बाकी रो हम उल्टा उल्टा बना लेंगे ऐसे। यहाँ पर हम दो फंदे का एक फंदा बनाएंगे ऐसे। देखिए दो फंदे हमारे इस साइड घट गए हैं और दो फंदे इस साइड घट चुके हैं। अब हम इस रो को
बना लेंगे ऐसे। देखिए फिर से हम यहाँ पर दो का एक बनाएंगे ऐसे। और बाकी सब ये फंदे उल्टा उल्टा बना लेंगे ऐसे। यहाँ पर लास्ट में भी हम दो का एक बना देंगे ऐसे। और इस रो को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे ऐसे। तो चलिए सभी फंदों को बैठा लेती हूँ। यहाँ पर हमारे लास्ट में दो फंदे बच जाएंगे, तो दो फंदे तक आने तक मैं आपको दिखाती हूँ। इस रो को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे ऐसे। देखिए ऐसे ऐसे बैठते हुए आएंगे हमारे। अब हम फिर दो का एक बनाएंगे ऐसे। और बाकी सभी फंदे हमें उल्टा उल्टा बुन लेने हैं। ये देखिए एक फंदा हम इस साइड से हटाएंगे ऐसे, और एक फंदा इस साइड से घटाएंगे, और उल्टी रो हमें उल्टा उल्टा बुन लेनी है इस साइड से। देखिए हम फिर से दो का एक बनाएंगे ऐसे। ऐसे ही बनाते हुए हम यहाँ पर दो फंदे रहने तक इसमें फंदे घटा लेंगे। तो चलिए दो फंदे रहने तक मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए घटाते हुए हम यहाँ पर हमारे दो फंदे बच गए हैं। तो देखिए यहाँ पर हम दो फंदे का एक फंदा बना देंगे ऐसे, इस तरह से दो का एक बनाएंगे और इसे ऐसे टाइट कर देंगे ऐसे ऐसे, और इसको पट्टी को यहाँ से कट कर देंगे ऐसे ऐसे कट करके, और इसे इस तरह से देखिए ऐसे टाइट नोट बना देंगे ऐसे ऐसे। देखिए इस तरह से हमारा ये हमने यहाँ पर सेकंड कलर लगाया। तो देखिए अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ से 20 फंदे उठाएंगे, यहाँ से 20 फंदे उठाएंगे, फिर इसी तरह से इन फंदों के भी हम घटाई करेंगे, फिर हम यहाँ से 20 फंदे उठाएंगे। चारों तरफ से हमें 20 फंदे उठाकर एक साइड हमारा बन चुका है, और तीन साइड से हम इसी तरह से फंदे उठा लेंगे। देखिए हम इस पट्टी को भी कट कर देंगे, क्योंकि इस पट्टी का अब हमें नहीं बनाना है।
तो चलिए देखिए यहाँ पर हम 20 फंदे उठाएंगे ऐसे। देखिए ऐसे ले लेंगे हम इसको, इस पट्टी को ऐसे पकड़ेंगे ऐसे, और इस तरह से हम निकाल लेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। देखो ऐसे, और आप इस तरह से भी फंदे उठा सकते हैं। देखिए हमने ये एक फंदा उठा लिया ऐसे, दूसरी सिलाई में इस फंदे को ले लें और इसे ऐसे बना लें। देखिए दो, हमें 20 फंदे उठाने हैं, ये तीन ऐसे, और ये चार, ये पांच, ये छह, ये सात, आठ, नौ, दस, इसी तरह से हमने इसमें 20 फंदे बनाने हैं। ऐसे देखिए, ऐसे हमने इसमें 20 फंदे उठा लिए हैं। इसी तरह से देखिए इन 20 फंदों को भी हम इसी तरह से एक फंदा इस साइड से घटाएंगे और एक फंदा इस साइड से घटाएंगे। देखिए यहाँ पर हम इसी तरह से एक फंदा घटाएंगे, यहाँ पर देखिए दो का एक बना देंगे ऐसे, और बाकी रो हमें उल्टा उल्टा बुन लेनी है। जैसे हमने वहां पर दो फंदे घटाए थे, एक फंदा इस साइड से घटा था और एक फंदा उस साइड से, ऐसे ही हम इसमें यहाँ पर भी दो दो फंदे घटाते हुए इसे कंप्लीट कर लेंगे ऐसे। बाकी रो हमें उल्टा उल्टा बुन लेनी है ऐसे ही। एक फंदा हमें इस साइड से घटाना है और एक फंदा इस साइड से घटाना है ऐसे। ये देखिए इस पट्टी को हम ऐसे दबा लेंगे ताकि हमारे फंदे खुले ना, और इस पट्टी को हम टाइट कर लेंगे। देखिए फिर से ऐसे दबाएंगे और इस पट्टी को भी हम साथ में ऐसे दबा लेंगे। यहाँ पर देखें हमें दो का एक बनाना है यहाँ पर, तो इसका इस तरह से इस पट्टी को टाइट करेंगे और दो का एक बना लेंगे ऐसे, ठीक है ऐसे। और इस रो को हमें उल्टा उल्टा बुन लेना है।
देखिए इस तरह से घटाते हुए हम इसे बना लेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। देखिए इस तरह से हमने यहां से फंदे उठाए हैं और यहां से हमने ऐसे ही बंद कर दिए थे। तो देखिए पता भी नहीं चल रहा है कि हमने यहां से फंदे उठाए हैं। इसी तरह से हम इन सभी फंदों को भी घटाएंगे दो फंदे रहने तक। जैसे हमने इस साइड बनाया है ऐसे ही हम यहां पर भी बनाएंगे और इसे बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे ही हमें इस साइड से भी उठा के फंदे ऐसे ही घटा के बनाना है इस तरह से, और इस साइड से भी चारों तरफ से हम इसमें इसी साइड इसी तरह से फंदे घटा लेंगे। देखिए बहुत ही सुंदर सा हमारा मैट बन के आएगा। आपको मैट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कि आपको मेरे मैट बनाने का तरीका कैसा लगा और मेरी वीडियो कैसी लगी। ऐसे देखिए इस रो में हम एक रो में घटाएंगे और एक रो में ऐसे ही उल्टी रो ऐसे ही उल्टा उल्टा बुन लेंगे ऐसे। एक फंदा इस साइड से घटाना है और एक फंदा इस साइड से घटाना है। तो चलिए कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ।